अनामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम ऑफिस लंच बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ऑफिस लंच बैग स्टिच किया है। इसमें हमने देखिए फ्रंट साइड में जिप्सी पॉकेट दी है, इसको ओपन करेंगे। इसमें देखिए टपुच भी सेट करते हुए इसमें रख सकते हैं जिप्सी हम, इसको लॉक करेंगे और सेंटर में हम देखिए इसको ओपन करेंगे। और ये पूरा बैग देखिए खुल के कुछ ऐसा आएगा। इसमें अंदर की साइड में काफी स्पेस है, अपने लंच बॉक्स को और वाटर बॉटल को भी इसमें सेट करते हुए आप रख सकते हैं। इसमें लंच बॉक्स को सेट करते हुए जिप से हम इसको देखिए ऐसे लॉक कर देंगे। और ये बैग देखिए साइड से ऐसा है, बॉटम की साइड से और इस साइड से, और इस हैंडल से हम देखिए इसको कैरी करेंगे। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत यूजफुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैग है। फ्रेंड्स, ये बैग हमने वन पीस रेडी किया है, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा लंच बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये ऑफिस लंच बैग स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। ऑफिस लंच बैग बनाने के लिए हमने 10x29 का देखिए 1 कुल्टे पीस लिया है। इसमें हमने मेन फैब्रिक रबर शीट और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके हमने कुल्टेड पीस को रेडी किया है। तो हमें 10x29 का 1 कुल्टेड पीस लेना है और ये हमें 5x10 के 2 कुल्टेड पीसेस लेने हैं। 8x10 का हमने 1 प्लेन पीस लिया है। 22 इंच के ये हमने 2 हैंडल्स लिए हैं। 10 इंच की हमने 1 जिप ली है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है। और ये हमने 13 इंच की 1 जिप ली है और इसमें भी हमें सिंगल रनर लेना है। सबसे पहले हम ये कुल्टेड पीस लेंगे, प्लेन पीस लेंगे और ये हम 10 इंच की जिप लेंगे। और ये जो कुल्टेड पीस है ये 29 का साइड है, ये 10 का साइड है। तो एक साइड से हम यहाँ पर 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। 3 इंच पे डाउन करके इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है। और अब देखिए हम मार्क वाली लाइन पे कुल्टेड पीस को कट कर लेंगे और ये हम जिप लेंगे। जिप को हम कुल्टेड पीस पे देखिए ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड एक साइड में होगा। जिप को हम सेट करते हुए इस साइड में हम अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। हमने देखिए कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये हम प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस का ये राइट साइड है और इसके ऊपर हम ये जिप वाला पार्ट ऐसे सेट करेंगे। और ये जो कुल्टेड पीस है इसके ऊपर हम जिप के ऊपर देखिए ऐसे रखते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस और कुल्टेड पीस को इस साइड से हमने देखिए स्टिच कर लिया है। और अब हम देखिए बैक साइड में आएंगे और ये जो स्टिच लाइन है इसको हम देखिए अपर की साइड में ऐसे करते हुए यहाँ पर हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर देंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने देखिए स्टिच कर लिया है। और अब हम जिप को ओपन करके इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप में देखिए रनर डाल लिया है। और अब देखिए हम बैक साइड में आएंगे और प्लेन पीस को हम बॉटम की साइड से देखिए थोड़ा सा अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए ऐसे हम प्रेस करेंगे। और इसको हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके प्लेन पीस को हम फोल्डेड पीस में अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। और फ्रंट साइड में ये हमारी एक पॉकेट बनके रेडी हो गई है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुल्टेड पीस है यहाँ पर हम इसमें सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे ही साइड भी 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने मार्क किया है इसको भी हम 2.5 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे हम मार्क कर लेंगे। देखिए ये हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पर हम हैंडल अटैच करेंगे। हैंडल को हम देखिए थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पर मार्क वाली लाइन पे सेंटर में रखते हुए 2 इंच पे यहाँ पर स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे ही इस साइड से हम हैंडल को इसमें अटैच करेंगे। और ऐसे ही ये जो दूसरा हैंडल है उसको हम इस साइड यहाँ पर मार्क करके इसमें हम अटैच कर देंगे। हैंडल को हमने देखिए इस साइड से और ऐसे ही इस साइड से दोनों साइडों से अटैच कर दिया है। और इस साइड हमने लेडी ऑफ जनरेशन का देखिए लोगो भी इसमें अटैच कर दिया है। और अब ये हम 13 इंच की जिप लेंगे और जिप को हम देखिए ओपन कर लेंगे और इसको हम देखिए बैक साइड में करेंगे और हैंडल को हम देखिए ऐसे डाउन कर लेंगे अंदर की साइड में।
ये जो जिप है, जिप का राइट साइड अपर के साइड में होगा और इसको हम देखिए यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इस साइड हम यहाँ पर हाफ इंच पे देखिए ऐसे मार्क कर लेंगे और मार्क वाले पॉइंट तक स्टिच करके इस जिप को हम इसमें अटैच करेंगे और ऐसी दूसरी साइड में देखिए जिस साइड हम इसमें मार्क करेंगे वैसे इस साइड भी हम मार्क करते हुए जिप के दूसरे साइड वाले पार्ट को इसको हम इसमें स्टिच करके साइड से अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए दोनों साइडों से इसमें अटैच कर दिया है। देखिए जिप का राइट साइड अपर की साइड में होगा और जिस साइड हम मार्क करेंगे वैसे इस साइड भी हम दोनों साइडों से एक साइड में ही मार्क करके इस जिप को अटैच करेंगे इसमें। और अब ये जो स्टिच लाइन है इसे हमें पाइपिंग से कवर करना है, तो ये हम 1.5 इंच की मेन फैब्रिक की पाइपिंग लेंगे और इसको हम इसके ऊपर देखिए इसको हम ऐसे डाउन करेंगे और यहाँ से ऐसे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे और ऐसे ही दूसरे पार्ट को हम ऐसे यहाँ से स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए पाइपिंग को इसमें अटैच कर दिया है और अब देखिए हम फ्रंट साइड में आएंगे। हैंडल को हम देखिए डाउन करेंगे और ये जो प्लेन पीस है पाइपिंग है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे हम टर्न करते हुए स्टिच लाइन पे सेट करते हुए स्टिच करके इसमें हम पाइपिंग को देखिए ऐसे अटैच कर देंगे और ऐसे इस साइड भी हम पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। पाइपिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए साइड से अटैच कर दिया है इसमें और ऐसे इस साइड भी देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है। जिप देखिए ऐसे हमारी सेट हो जाएगी और अब देखिए क्वल्टेड पीस को हम ऐसे बराबर में सेट करते हुए इसमें हम दोनों साइडों से सेंटर का मार्क कर लेंगे। क्वल्टेड पीस पे हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब ये हम दोनों क्वल्टेड पीस लेंगे और पाइपिंग लेंगे। इसमें से हम एक पार्ट को लेंगे और ये जो पाइपिंग है पाइपिंग को इसमें भी हम देखिए बैक साइड में ऐसे रखते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके ये जो स्टिच लाइन है इसको हम पाइपिंग से कवर कर देंगे और ऐसे ही इसमें भी एक साइड से स्टिच कर देंगे। दोनों पार्ट्स में मैंने देखिए स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब हम इस साइड आएंगे और इस साइड फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क कर देंगे। इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लिया है, इसमें से हम एक पार्ट को लेंगे और ये जो इसमें हमने सेंटर का मार्क किया था और दोनों मार्क को देखिए मिलाते हुए ऐसे हम यहाँ पर पिनअप करेंगे। क्वल्टेड पीस का राइट साइड वाला पार्ट अपर की साइड में होगा और इसको हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम स्टिच करेंगे। इसके बाद इसको ऐसे टर्न करते हुए इस साइड से और ऐसे ही दूसरी साइड से स्टिच करके इस क्वल्टेड पीस को इसमें अटैच करेंगे इस साइड से और ऐसे जो दूसरा पार्ट है उसको हम दूसरी साइड में सेंटर के मार्क से मिलाते हुए ऐसे हम दोनों साइड से स्टिच करके इसको हम अटैच करेंगे। पीसेस को हमने देखिए इस साइड से इसमें अटैच कर दिया है और ऐसे इस साइड भी देखिए अटैच कर दिया है और अब जो ये स्टिच लाइन है इसे हमें पाइपिंग से कवर करना है, तो ये हम पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को ये जो जिप है इसको हम अंदर की साइड में कर लेंगे और इस पाइपिंग को हम देखिए ऐसे रखेंगे और पाइपिंग को थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लेंगे। टर्न करते हुए ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर करेंगे। जैसे हम इस साइड से पाइपिंग को टर्न करते हुए स्टिच करेंगे वैसे ही हम इस साइड भी पाइपिंग को टर्न करते हुए दोनों साइडों से स्टिच कर लेंगे और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। साइडों से हमने देखिए स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो जिप है दोनों जिप वाले पार्ट को बराबर में सेट करेंगे और इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और रनर को ऐसे करते हुए इस साइड से ऐसे सेट कर लेंगे और जिप देखिए इस साइड से लॉक हो गई है। देखिए दोनों साइडों से जिप फैब्रिक से पाइपिंग से लॉक हो गई है और इसको हम ऐसे सेट करेंगे और ये जो जिप है इसको हम लॉक करेंगे फैब्रिक से। तो ये हम 3x3 का मेन फैब्रिक लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे और एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऐसे हम प्रेस कर लेंगे
ऐसे प्रेस करते हुए ऐसे हम देखिए इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम इस साइड से स्टिच कर लेंगे इस फैब्रिक को। प्लेन पीस को हमने देखिए साइड से स्टिच कर लिया है और अब देखिए ये जो जिप है, जिप में हम इस प्लेन पीस को अंदर की साइड में सेट करेंगे। देखिए जिस साइड से हमने फोल्ड किया था उसको हम देखिए ऐसे अंदर की साइड में इसमें सेट कर लेंगे। और ये जो स्टिच लाइन है ये देखिए अपर की साइड में होगी और दोनों पार्ट्स को देखिए सेट करते हुए इस साइड से हम फैब्रिक को जिप में अटैच कर देंगे। इस फैब्रिक को हमने देखिए साइड से अटैच कर दिया इसमें और अब हम प्लेन पीस को ऐसे ओपन कर लेंगे और प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे प्रेस कर लेंगे और इसको हम देखिए एक साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच करके साइड से हम इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए साइड से अटैच कर दिया इसमें और अब हमारा ये ऑफिस लंच बैग बन के रेडी हो गया है। इसमें हमने देखिए फ्रंट साइड में एक जिप से पॉकेट दी है और सेंटर में हम देखिए इसको ओपन करेंगे और ये पूरा बैग देखिए ऐसे खुल के आएगा। इसमें अंदर की साइड में अपने लंच बॉक्स को सेट करते हुए जिप को यहाँ से ऐसे लॉक और ये बैग देखिए साइड से ऐसा आएगा। वन पीस से रेडी हुआ है तो ये बैग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैग है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा लंच बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।